नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा और अपनी मर्जी की करते हैं। हाल ही में एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें इस एटीट्यूड को बड़ा अच्छा डील किया गया। बैनी प्रसाद अपना मकान बना रहे होते हैं और उसके साथ का प्लॉट खाली होता है, तो वो अपना बरामदा उस जगह जमीन पर बना देते हैं। उनकी जो उनका नेबर जो होता है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट भी करता है बाद में, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं रहे होते हैं, तो बाद में वो अब देखता है तो ऑब्जेक्ट करता है और बाद में वो फिर एक सिविल सूट फाइल करता है पोजीशन का, और उसमें ये मांगता है कि पोजीशन भी दिया जाए और जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया उसको डिमोलिश करके फिर पोजीशन दिया जाए। सिविल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट उसको डिक्री कर देती है और दुर्गा देवी जो ऑनर थी उसको ऑनर मानती है और कहती है कि वो इनक्रॉचमेंट है। बाद में वो सिविल अपील में जाते हैं, सिविल अपील में भी ऑनरशिप पर कोई जो फाइंडिंग होती है वो अपीलेट कोर्ट की वही होती है और ये भी कहते हैं कि इनक्रोचर है, लेकिन सिविल कोर्ट जो पोजीशन वाले आस्पेक्ट पे थोड़ा सा चेंज करता है, जो अपीलेट कोर्ट फर्स्ट अपीलेट कोर्ट वो चेंज करता है और वो कहता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्विसेंस है, जिसमें रजामंदी का सिद्धांत जिसको कहते हैं, उसको मानते हुए वो बोल रहा है कि इनको डैमेजेस दे दिया जाए उतने लैंड का जिस पे बना हुआ है और पोजीशन नहीं दिया जाए। हम अभी इसको जो प्रिंसिपल ऑफ एक्विसेंस है, रजामंदी का सिद्धांत, इस पर अभी डील करेंगे। अब सेकेंड अपील में क्या होता है कि हाई कोर्ट फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के जो क्योंकि जो फाइंडिंग होती है, डिग्री होती है, उसको सेटिसाइड कर देती है और वो कहती है कि नहीं, उसको पोजीशन ही मिलना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के डिग्री को, जजमेंट को रीस्टोर कर देती है। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें डिवीजन बेंच का जजमेंट है वो, उस डिवीजन बेंच में जस्टिस गवई थे और जस्टिस रवि कुमार थे, उन्होंने इसको 2 फरवरी 2023 को डिसाइड किया। जो ऑनरशिप का मुद्दा था उस पर तो ट्रायल कोर्ट भी वही थी, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी फाइंडिंग दिया और हाई कोर्ट ने भी फाइंडिंग दिया कि ऑनरशिप तो सिक्योर्ड है और इस्टेब्लिश्ड है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो उनका डिफेंस था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मेन आर्गूमेंट किया गया बैनी प्रसाद के एडवोकेट के द्वारा, जिनका वो जो ट्रेसपासर थे, कि उनका ये कहना था कि भाई देखिए, जब हम बना रहे थे तब तो उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया और ये सूट रिजनेबल टाइम में भी नहीं फाइल हुआ है, थोड़ा डिले करके फाइल हुआ है लेकिन विद इन लिमिटेशन है। फिर उन्होंने कहा कि रूल ऑफ इस्टॉपल से हम कवर्ड हैं और उनको लैंड की रिकवरी नहीं मिल सकती डिमोलिशन, स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके। फिर उन्होंने रूल ऑफ एक्विसेंस पे भी, जो रजामंदी का सिद्धांत है उस पर भी उन्होंने अपना डिफेंस लिया। तीसरा उन्होंने कहा कि जब वो बना रहे थे तो उनका ये बोनाफाइड बिलीव था कि वो जमीन उनकी है और इस तरीके से वो सेक्शन 51 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कवर्ड हैं और ये उनको उनके स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि ये सेक्शन 51 का जो डिफेंस लिया गया बड़ा स्मार्ट मूव था और जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डिफेंस लिया। अब जिस मैटर की बात मैं कर रहा हूँ वो सिविल अपील नंबर है 6182 एंड 6183 2009। केस का नाम है बैनी प्रसाद वर्सेस दुर्गा देवी। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, देखें वो 1651 क्या है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसके बारे में बैनी प्रसाद के एडवोकेट ने कहा। वो ये कहता है कि अगर कोई बोनाफाइड होल्डर ऑफ लैंड है और उस पर कोई इम्प्रूवमेंट करता है, इवन अंदर की वो डिफेक्टिव टाइटल है, तो उसको थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया है कि जो कोई ट्रांसफर ही है लैंड का और किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का और वो किसी उस पर कोई इम्प्रूवमेंट करता है, ये मानते हुए कि वो उसकी बोनाफाइड फेथ होता है, गुड फेथ में, कि वो उसका अंडर, वो उसकी मलकियत है, बाद में पता चलता है कोई आदमी बेटर टाइटल लेकर आता है और उसको खाली कराता है, तो जो भी इम्प्रूवमेंट उसने उस लैंड पे किया है उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए दो तरीके से, या तो उसको कंपनसेट किया जाए या इवन कि जो जिस लैंड पे इम्प्रूवमेंट किया है वो मांग सकता है बेटर टाइटल वाले से कि मैं आपको कंपनसेट करता हूँ, अब लैंड मुझे दे दो, ये मार्केट वैल्यू पे ले सकता है। इसका एग्जांपल ये है कि अगर किसी ने कोई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा और उसमें कोई खेतीबाड़ी कर ली और बाद में जब क्रॉप ग्रो हो गया फिर बेटर टाइटल का कोई आदमी आके उसको इविक्ट कराना चाहता है, तो वो उसको अपने क्रॉप को का फ़ायदा उसको मिलना चाहिए,
उसको आने जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो इतने इस तरीके से सेफ गार्ड किया गया है, बट गुड फेथ में होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए और वो ट्रांसफर ही होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि भाई देखो, इसमें वो ट्रांसफर ही तो किसी तरीके से बैनी प्रचार नहीं थे, तो इसलिए ये सेक्शन 51 उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब इस सेक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत थी कि वो ट्रांसफर ही होने चाहिए और उन्होंने गुड फेथ में किया हो। तो जब बेनी प्रसाद कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो उसके बाद उसको ऑब्जेक्शन भी किया गया था, तो वो अपने को इस सेक्शन में कवर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि इस्टॉपल, रूल ऑफ इस्टॉपल क्या है। जो इस्टॉपल का प्ली होता है, इस्टॉपल का, जिसको कि हिंदी में मुखबंधन या विबंधन का लॉ का कानून कहते हैं, कि उसमें बेसिकली ये है कि अगर कोई आदमी कोई एक चीज़ को एसर्ट करके फ़ायदा उठा चुका है तो उसके विपरीत वो कह के फिर वो अपने प्रीवियस स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकता और दूसरा फायदा नहीं उठा सकता। ये वो सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी पिछली कार्रवाई या कथन के विपरीत जाकर कुछ कहने से या करने से रोकता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है रूल ऑफ इस्टॉपल का, कि उसको जस्टिस सिक्योर करना और जो पार्टीज़ के बीच में ऑनेस्टी और गुड फेथ को प्रमोट करना, इस रूल ऑफ इस्टॉपल का पर्पस है। अब इसके कुछ सैलियंट फीचर्स हैं जो अगर सेटिस्फाई होता है तभी रूल ऑफ इस्टॉपल लागू होता है। पहला कि जो पार्टी है, एक पार्टी है, वो एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दूसरे पार्टी को देगा। दूसरा कि दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन को। तीसरी चीज़ ये है कि वो उस पर रिलाई करेगी, उस फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन पे, और उसके बाद जो पहली पार्टी है वो उसके एक्सेप्ट हो जाने के बाद अपने पोजीशन में कोई ऑल्टरेशन करेगा, कुछ वो काम करेगा। चौथा ये है कि जो उसमें अपने पोजीशन में चेंज किया है, जो इसका इंस्टेंट ऑल्टरेशन ऑफ पोजीशन है, वो उसको उस वो फिर पहले जिसके जिसके सामने रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो उसको फिर रिवर्ट बैक करने को, ओरिजिनल पोजीशन में जाने को नहीं कहेगा, जिस जो कि क्योंकि ये न्याय के विरुद्ध होगा, क्योंकि उसके सामने रिप्रेजेंट करके एक आदमी ने अपने कोई स्टेप लिया है, कोई काम किया है। और यहाँ पे जो इस कंडीशन में देखा गया कि बैनी प्रसाद ने जो एक तरफ तो वो कह रहे थे कि भाई उसका गुड फेथ में था किया, कि चूंकि वो उसका अपना जमीन मानते हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिवर्ट बैक, जो दुर्गा देवी था उन्होंने ऑब्जेक्ट उस टाइम नहीं किया, जबकि दुर्गा देवी ने ऑब्जेक्ट किया जैसे ही उसको पता चला, चूंकि उस वक्त वो वहाँ नहीं रह रही थी, जैसे उसको पता चला उसने अपने स्टेप्स लिया उसके कुछ दिनों के बाद, लेकिन लिमिटेशन के अंदर वो सूट में गई। तो इन जो रीजनेबल टाइम की बात कर रहे थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि सूट विद इन लिमिटेशन पीरियड में है। और इस तरह से वो उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप अपना स्ट्रक्चर को रिमूव कीजिए और उसके पोजीशन को वापस दीजिए, और जो जो अपील फाइल की गई थी अपील को डिसमिस किया। अब यहाँ पे जो मेरा टेक ये है कि इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ एक्विजेंस को, रूल ऑफ स्टेपल को, सेक्शन 51 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को बहुत बढ़िया डील किया है, और उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है ये बड़ा वैल्यूएबल राइट है, ये इस तरह के डिफेंस से डिफीट नहीं किया जा सकता। तो जब भी इस तरह का केस होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी चलाने के चक्कर में कानून को अपने हाथ में लेता है, तो अल्टीमेटली ही हैज़ टू बियर द बर्डन, उसको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो ये जजमेंट मुझे इस पॉइंट पे बहुत बढ़िया लगा, और ख़ासकर जस्टिस रवि कुमार का लिखा हुआ जो पूरे इन्होंने डील किया है बहुत बढ़िया तरीके से किया है। होप आपको ये पॉइंट पे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह से रिसेंट जजमेंट मैं शेयर करता रहूँगा। और जो भी इस तरह के इशू हो प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे मुझे फर्दर इंटरेक्शन करने में बनता है। थैंक यू, नमस्कार।